सो हाय गाइज, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मिनट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो एरिया मैनेजर रहते हैं उनका सैलरी कितना रहता है, साथ में उनको एक्सपेंस कितना मिलता है, मतलब कि मंथ के एंड में वो कितना पैसा कमा लेते हैं एज अ एरिया मैनेजर। तो इसी के बारे में सारी हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। सो दोस्तों, जैसे MR का कोई सैलरी फिक्स नहीं रहता है, मतलब कि सारे MR उनका एक सैलरी फिक्स नहीं रहता है। जो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलता है, जो जितने टाइम से टिका हुआ है उसको उतना ही पैसा मिलता है। सेम होता है हमारी जॉब में, मतलब एरिया मैनेजर के। इसमें एरिया मैनेजर दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो इंटरनल प्रमोशन होता है, मतलब कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको वहीं से कंपनी आपका काम अच्छा है ये देखकर आपको प्रमोशन दे देती है। सेम मेरे साथ हुआ था, मुझे इंटरनल प्रमोशन मिला था। जब भी इंटरनल आपको प्रमोशन मिलता है ना, तो वहाँ पर आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि अगर आप कोई कंपनी चेंज करोगे ना तो आपको वो कंपनी आराम से ले लेगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि इसने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया होगा तभी इसको इंटरनल प्रमोशन मिला। साथ में इसका एक डिसएडवांटेज भी रहता है, वो ये रहता है जब भी आपका इंटरनल प्रमोशन होता है ना तो आपका सैलरी बहुत कम बढ़ता है दोस्तों। मतलब कि आपका जैसे 3 लाख या 3.5 लाख का पैकेज है तो आपको समझो 1 लाख का ग्रोथ मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप कंपनी 1 साल का एक्सपीरियंस लेके 2 साल का एक्सपीरियंस लेके किसी अदर कंपनी को स्विच करोगे ना तो वहां पर आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं जो एरिया मैनेजर रहते हैं उनका एक्चुअल में पैकेज कितना रहता है। देखो, जैसे MR का कोई फिक्स नहीं रहता ना, वैसे एरिया मैनेजर का भी फिक्स नहीं रहता है। एरिया मैनेजर का पैकेज आप यकीन नहीं करोगे 15-15 लाख रुपए तक भी रहता है। बाकी ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 5 से लेकर 8 लाख रुपए तक काफी एरिया मैनेजर हैं जिनका की पैकेज है, क्योंकि ये एक एवरेज पैकेज रहता है और काफी सारी कंपनियों में ये पैकेज एक एरिया मैनेजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप 5 लाख से लेकर 8 लाख तक मान के चलिए जो भी एरिया मैनेजर आपको मिलते हैं उनका इसके अंडर में उनका पैकेज रहता है। कुछ एरिया मैनेजर आप जानते होंगे काफी सीनियर्स रहते हैं, उनको 5 साल 10 साल हो जाते हैं एरिया मैनेजर, तो उनका पैकेज 15 लाख इससे भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों। तो यहां पे कोई फिक्स नहीं रहता है। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एरिया मैनेजर के एक्सपेंस के बारे में। देखो, एरिया मैनेजर का जो एक्सपेंस रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब कि MR के जो एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रहता है एरिया मैनेजर का। क्योंकि देखो, उनका आउट स्टेशन, मतलब मान के चलिए एक एरिया मैनेजर का आउट स्टेशन 800 से लेकर 1500 रुपये के बीच में रहता है, जहाँ पे कि एक MR का आउट स्टेशन रहता है 400 से लेकर 600 रुपये के बीच में। तो मतलब देखो, जस्ट डबल हो जाता है। साथ में अगर एरिया मैनेजर चाहे कि वो थर्ड AC या सेकेंड AC से भी चल सकता है, काफ़ी सारी कंपनी अलाउ करती है MR को भी वो सेकंड AC थर्ड AC से भी ट्रेवल कर सकते हैं। एरिया मैनेजर चाहे तो वो एक्चुअल बिल लगा सकता है या फिर उसको किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। उसको जो पैसा मिलता है वो एक MR का जो किलोमीटर रहते हैं उससे ज्यादा मिलता है। मतलब जैसे एक MR को पर किलोमीटर 2 रुपए या 2 रुपए 30 पैसे मिलते हैं, तो वहीं पर एरिया मैनेजर को 3 रुपए से भी ज्यादा मिलता है, 3 रुपए या 3.5 रुपए तक भी मिलते हैं एरिया मैनेजर जब आप काम करोगे। साथ में MR जब लोकल में काम करते हैं, एक सेट क्वार्टर में काम करता है, तो वहां भी MR की तुलना में हम देखें तो एरिया मैनेजर के जो अलाउंसेस रहते हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं। मतलब कि एक MR से आप सीधा डबल कर लो तो एक एरिया मैनेजर के अलाउंस आ जाएंगे। साथ में जो लास्ट में एरिया मैनेजर को मोबाइल एक्सपेंस और जो दूसरी चीजें मिलती है ना, जो कि हमें एक एड रहता है, मतलब कि जैसे एक्सपेंस पे हम लोगों को एड करना पड़ता है, जैसे कि हमारा मोबाइल का बिल लगाना पड़ता है, आपने कोई स्टेशनरी परचेस करी है, मतलब कुछ भी लिया है आपने इन बिटवीन जो कंपनी, जैसे नोटबुक लिए, अपने RCP रजिस्टर बनाया, तो जो एक MR का रहता है ना वो 1200 से 1500 रुपए तक ही वो मंथ में बिल लगा सकता है। जो एक एरिया मैनेजर है वो 2500 से लेकर 3000 रुपए तक बिल लगा सकता है। तो आप मान के चलिए एक एरिया मैनेजर 50 से 60 से 70 हजार रुपए तक एक्सपेंस मिला के वो सैलरी ले लेते हैं, जो कि एक एवरेज एरिया मैनेजर रहते हैं। जो कि आपको 80% एरिया मैनेजर मिल जाएंगे जो कि 50 से लेकर 70 हजार रुपए तक मंथली अर्न करते हैं। इसमें उनका 20 हजार रुपए, अगर 20 से 25 हजार रुपए एक्सपेंस मान ले तो 40 से लेकर 50 हजार रुपए तक उनका बेसिक सैलरी रहता है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एरिया मैनेजर कितना सैलरी अर्न कर लेते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों और शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इसे देख के मोटिवेट हो सके कि एक एरिया मैनेजर बनके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैंने यहाँ जो बताया ये कोई फिक्स नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। एरिया मैनेजर का इंसेंटिव भी बहुत अच्छा होता है। बाकी इंसेंटिव कमाना एक एरिया मैनेजर के लिए इतना आसान नहीं होता है जितना कि एक MR के लिए होता है। किसी वीडियो में हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ में जो एरिया मैनेजर कमा सकता है ना, उतना एक MR कभी नहीं कमा सकता है दोस्तों। हाँ, कुछ ऐसे सीनियर MR रहते हैं जिनका कि पैकेज एरिया मैनेजर से भी ज्यादा होता है, बाकी उनको अपने कंपनी में कम से कम 10 साल या 15 साल देना पड़ता है तब जाकर उनका पैकेज इतना हो जाता है, और साथ में उनको परफॉर्म भी करना पड़ता है। उन्हें कंपनी ऑफर करती है कि आप एज एरिया मैनेजर, हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं, बाकी कुछ रीजंस रहते हैं कि वो एरिया मैनेजर नहीं बनना चाहते, तो उन लोगों का पैकेज एरिया मैनेजर इवन कई सारी कंडीशन में RM के पैकेज से भी ज्यादा एक MR का पैकेज हो सकता है। तो डीमोटिवेट मत होइएगा कि जो MR
MR रहते हैं उनका पैकेज ज़्यादा नहीं रहता है, MR का पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।